लुगा फैक्ट्री रे लाखिला निया हुतु हुतु होई जळीकला गोदाम रे थिबा सबु आसबाबपत्र दिल्ली रे घटिछु एभळी भयंकर अग्निकांड राजीव रतन को बासभवन निकट रे एही कारखाना थिबा बेले एठारे अग्निकांड घटिथिबा जणा पडिछु तबे निया एते भयंकर थिला जे गोदाम रु निया बाहरु थिबार देखिबाकु मिलिछु एवं एही निया को नियंत्रण रखिबा पई पाखा पाखी 24 टी अग्निशम बाहिनी घटनास्थल रे पहुंची निया को नियंत्रण करबाकु उद्यम जारी रखिथिले तबे कारखानार प्रथम महलारु हुतु हुतु होई निया बाहर को बाहरु थिला जहा को देखि समस्ते भयभीत होई जाइथि निया देखी घटनास्थल लोकों भिड़ जमी जाता तेरे अग्निकाण्ड संपर्क में सूचना पाइबा मात्रे 24 टी अग्निशम बाहिनी घटनास्थल पहुंची निया को नियंत्रण करने उद्यम जारी रखी ये देखिए ये बिल्डिंग है ग्राउंड प्लस 2 मंजिल का है ये कमर्शियल गोडाउन है यहाँ पे काफी सारे जो है कोई फिक्स आइटम नहीं काफी सारे जो है दुकानें गोडाउन है यहाँ पे अभी कैजुअलिटी कोई रिपोर्ट नहीं है अभी हम आग बुझा रहे हैं जैसे आग बुझाएंगे उसके बाद सर्च करेंगे अभी तो ऐसे आप बता नहीं सकते जो यहाँ का जो लोकल पुलिस वगैरह ये जांच करेंगे बाकी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कि शॉर्ट सर्किटिंग हुई है फैक्ट्री नहीं है गोडाउन्स है गोडाउन्स एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है ये रिकॉर्ड के अनुसार 6:55 पे आग लगी थी मौके पे शुरू में 4 गाड़ी आए थे 2 बाउजर 2 वाटर टेंडर फिर जैसे जैसे ये हुआ बिल्डिंग के अंदर एक्चुअली बेसिकली कमर्शियल गोडाउन का ये है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे काफ़ी सामान सुमन से भरा हुआ था कह रहा है कि एलपीजी सिलेंडर भी फटे हैं जिसके वजह से आग फैल गई तो 27 के आसपास इनको मेक 6 में कन्वर्ट किया और 8:30 के आसपास इनको मीडियम कैटेगरी में इसको बदल कर दिया और टोटल मौके पे इस टाइम मेरे पास गाड़ी 24 गाड़ी है क्या लग रहा है कितनी उम्मीद है अभी थोड़ी देर में बुझा देंगे अभी ऐसे आग कंट्रोल में हो गया है तबे अग्निशम विभाग डेपुटी अग्निशम अधिकारी कहते जो यह एक व्यावसायिक गोदाम कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो कारण एठारे विपुल परिमाण सामग्री रखा जाइथिला प्रथमे अग्निकाण्ड संपर्क में सूचना पाइबा परे 4 गाड़ी पठा जाइथिला एपरिकी परिस्थिति को देखि पुणी अधिक गाड़ी पठा जाइथिला तबे अधिकारी यह मध्य कहिछन्ति जे एठारे एलपीजी सिलिंडर विस्फोरण घटिछि प्रचुर परिमाण अग्निकाण्ड जोगु निया व्यापी जाइछि एवं गोदाम रे थिबा आसबाबपत्र मध्य निया रे पाउंस होइ जाइछि रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।